लो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी क्लास 11th के कॉमर्स के कट ऑफ लिस्ट या फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट के बारे में, या मिनिमम कट ऑफ या मैक्सिमम कट ऑफ के बारे में कि कितने मैक्सिमम कट ऑफ पे एडमिशन होता है और कितने मिनिमम कट ऑफ तक जो है एडमिशन होता है, इस सब चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट होता है उसमें कितने बच्चों का जो है क्लियर होता है या स्पॉट राउंड होता है या वेटिंग लिस्ट होता है, ये सब चीजें जो आपकी दिक्कत है, कंफ्यूजन है, उस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने है फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट, ये है 31/10/2020 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो दिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद 4/4/2020 टू 10/11/2020 तक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है हमको सीधा कट आपको ये कट ऑफ दिख रहा होगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। उसके बाद सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का देखेंगे। पहली बात करते हैं कॉमर्स का, जनरल के लिए बात करते हैं तो जनरल का जो है 2020 में बना था 77 मार्क्स पे। जनरल किस पे बना था? 77 मार्क्स पे। अब उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम का, तो मुस्लिम का बना था 74 मार्क्स पे, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी की बात करते हैं तो 71 मार्क्स पे बना था। उसके बाद मुस्लिम वोमेन की बात करते हैं तो 69 मार्क्स पे बना था। तो मुस्लिम ओमैन एंड मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी जो है उसमें दो नंबर का फर्क होता है, दोनों जो होते हैं वो सेम पे कट ऑफ पे ही बन जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर सेम पे ही बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है इनका एक दो नंबर नीचे ऊपर रहता है। और पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस वालों का जो है 58 पे बना था, और पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर वालों का जो है 69 पे, एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो बना था वो क्या है 58 पे, एंड कश्मीरी माइग्रेंट का जो है 36 पे बना था, ठीक है, 36 पे बना था। अब हम बात करते हैं कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो जनरल का था 77 पे बना था 2020 में, ठीक है। उसके बाद 2021 का एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर कोई भी बच्चा 73 से 75 प्लस अगर है तो उस बच्चे का सिलेक्शन जो है कॉमर्स में हो जाएगा। 73 से 75 तक अगर किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तो इस बार जो है जनरल कैटेगरी से उसका सिलेक्शन हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी क्लास कॉमर्स में, क्लास 11th कॉमर्स में, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम की बात हम करते हैं तो 74 है, तो इसमें क्या है मुस्लिम का 70 से 74 के बीच में ही बनेगा। इस बार कट ऑफ 71 पे 72 वाले, 73 वाले, 74 वाले भी इसमें शामिल हैं। तो जितने भी मुस्लिम कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो अगर 70 से 74 तक जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी की बात करते हैं तो 68 से 70 मुस्लिम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी एनएसटी का तो ये है 68 से 71 के बीच में इनका कटअप बनेगा। 68 से 71 फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट की बात, सारी जो बातें हो रही है फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट की। उसके बाद थर्ड में तो आप मान लीजिए कि 4-3 नंबर कम करके चलिएगा थर्ड में, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगा, फिर थर्ड राउंड आएगा तो 3-3 नंबर, सेकेंड राउंड में 3 नंबर, फिर थर्ड राउंड में 3 नंबर, फिर वेटिंग लिस्ट वाला में भी जो है कम बेसी करके आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए कि जो जाएगा वो 60 तक मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी का जो चला जाता है वो 65 प्लस पे चला जाता है, 60 आ जाता है, 60 कभी कभी 60 पे भी हुआ है एडमिशन। तो हम लोग बात करते हैं मुस्लिम ओमैन की, अब ठीक है मुस्लिम ओमैन का जो बनेगा अब 65 से 69 के बीच में फर्स्ट राउंड बनेगा। फर्स्ट राउंड का कितना बनेगा तो 65 से 69 के बीच में ही एक्सेप्टेड कट जो है फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट जो है बनेगा वो 65 से 69 के बीच में बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यू लोकोमोटर एंड ब्लाइंडनेस वालों का, दोनों का अगर बात हम लोग करें तो ये जो है 45 से ये वाला जो बनेगा ये बनेगा 58 तक, तो 50 से 58 तक जो बनेगा वो ब्लाइंडनेस पीडब्ल्यूडी वाला बनेगा। 50 से 58 तक जो है इनका कटअप बनेगा, जो इनके बीच में अगर फर्स्ट राउंड में अगर किसी ने बच्चे ने 50 से 58 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका जो ब्लाइंडनेस वाले फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। उसके बाद लोकोमोटर वालों को कहते हैं, लोकोमोटर का जो 60 से 69 के बीच में बनेगा, 60 से 69 जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 50 से 58 के बीच में बनेगा इस बार फर्स्ट राउंड। फिर कश्मीरी माइग्रेंट का जो बनेगा वो 30 से 36 के बीच में ही बनेगा, एक्सेप्टेड कट ऑफ, इससे बाहर नहीं जाने वाला इस बार, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड होने की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं आपके सामने कि सैयद आबिद हुसैन जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस के कट ऑफ कैटेगरी वाइज के बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो जनरल का गया था 70 पे और वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे गया था 77 वाले पे, कामर्स में ही 77 पे था जनरल का, इसमें क्या है 70 पे है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया है 74 से 77 के बीच में जो एक्सेप्टेड कट ऑफ 2021 को बताया वो गलत नहीं है, वो सबसे सही और एक्सेप्टेड कट ऑफ है और बहुत सटीक जो है आपको कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसी के अंदर ही बनेगा। ठीक है, जनरल का सीनियर सेकेंडरी का जो बताया 74 से 77 के बीच में। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम जनरल का जो है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो है सेल्फ फाइनेंस का। ठीक है, ये बात करते हैं तो जनरल का जो बनेगा वो क्या बनेगा 65 से 70 के बीच में, फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट जो है वो क्या है 65 से 70 के बीच में बनेगा। जनरल का मुस्लिम का जो बनेगा वो बनेगा 63 से 68 के बीच में, 63 से 68 के बीच में। और ये बनेगा मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी जो है वो बनेगा 60 से 63 के बीच में। ठीक है, 60 से 66 के बीच में। एंड मुस्लिम ओमैन जो बनेगा वो क्या बनेगा 58 से 63 के बीच में। तो इस बार जो मुस्लिम ओमैन वाले हैं जो भी कैंडिडेट है कामर्स में वो 40 तक भी कर ले तो 48 क्वेश्चन तक कर लेंगे तो इस वेटिंग तक क्लियर हो जाएगा उनका। ठीक है, उसके बाद ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो 49 बन रहा है तो 49 से जो है हम बात करते हैं तो 40 से 49 के बीच में इस बार फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे ब्लाइंडनेस, जो PWD ब्लाइंडनेस वाले हैं। ठीक है, लोकोमोटर वाले जो है PWD वाले वो जो है 50 से 55 के बीच में करेंगे तो। एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो बनेगा इस बार कटअप वो बनेगा 48 से 54 के बीच में, 48 से 54 के बीच में। तो जनरल का बन रहा है इस बार कितने पे, जनरल का आपको पता है 65 से 70 के बीच में बन रहा है। मुस्लिम ओबीसी एनएसटी मुस्लिम का कितने बन रहा है, मुस्लिम का जो बन रहा है वो कितने पे बन रहा है तो 63 से 68 के बीच में बन रहा है। एंड मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी का जो बन रहा है वो कितने पे 58 से 63 के बीच में बन रहा है। मुस्लिम ओमैन का कितने पे बन रहा है तो मुस्लिम ओमैन का 58 से 63 के बीच में बनेगा इस बार। ठीक है, ब्लाइंडनेस वालों का आपको सामने पता ही चल गया है 40 से 49 के बीच में। एंड उसके बाद जो है PWD वाले का लोकोमोटर वालों का 48 से 53 के बीच में बनेगा। जम्मू एंड कश्मीर का 50 से 54 के बीच में बनेगा। तो ये आपके सामने जो कटअप था वो शायद एक्सेप्टेड कटअप था 2021 का और 2020 का आपके सामने मैंने बता ही दिया है कि कितना कितना था आपके सामने। अगर ये चीज़ है तो वो कंफर्म है कि जो वेटिंग लिस्ट जाते जाते जो है महिला जो हो गए मुस्लिम वोमैन हो गया, ओबीसी हो गया, एनएससी हो गया, जनरल का भी जो है 65 तक जो है क्लियर हो जाएगा, कामर्स जो है ब्रांच में उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और ये भी बताना कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, जो क्लास जो है स्कूल सीनियर सेकेंडरी वाले हैं जो जामिया सीनियर सेकेंडरी वाले हैं वो बता दे कि मैं अगली जो वीडियो है वो किस पे बनाऊँ, आपका जो है राय है क्या रखते हैं तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।